आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम ये सीखने वाले हैं कि अमेज़ॉन पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को कैसे सेल किया जाता है। अगर आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन पे सेल करना है तो उसकी एक अलग प्रोसेस होती है बिल्कुल। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आप वो करेंगे तो आप अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे आपको बता दे रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना अमेज़ॉन का जो सेलर का डैशबोर्ड है वो खोल लेना है, जैसे मैंने खोल लिया है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ बिल्कुल नीचे आना है, जब नीचे आएंगे बिल्कुल तो यहाँ पे लिखा होगा कैटलॉग, फिर यहाँ क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट्स पे। अब इस बार आपको कौन सा प्रोडक्ट अभी यहाँ पे मतलब बेचना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करना है। अब इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम डाल के सर्च करें, या फिर उस प्रोडक्ट का ASIN नंबर डालेंगे। अब उदाहरण के तौर पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मुझे हिमालय का फेस वॉश बेचना है, ठीक है। तो या तो मैं उसका ASIN नंबर डाल दूँ या यहाँ सर्च कर देता हूँ सिंपली एक सेकेंड, हिमालय फेस वॉश, ऊपर ऊपर ही आ गया, ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब आपको आपके जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। अभी ब्रांडेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बेचने के लिए हैं जो कि नामी गामी प्रोडक्ट है, रजिस्टर्ड कंपनी है, समझ रहे हैं, मतलब लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है नहीं, उसको वो अलग चीज़ है। ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जैसे ब्रांडेड कॉस्मेटिक हो गया, कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, कुछ भी ब्रांडेड हो, ठीक है ना, नामी कंपनी हो। अब हिमालय का फेस वॉश है तो इसमें मुझे वेरियंट्स दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के, मतलब एक 400 ml का पैक है नीम का, एक 150 का है, एक 200 का है, 200 के दो वाला पैक है, और कुछ अलग इसमें और भी वेरिएंट्स दिए हुए हैं, जैसे केसर वाला दिया हुआ है, ऑरेंज का दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इसमें से चुनना है आपका कौन सा वाला वेरिएंट बेचना है, सिर्फ वही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मुझे ये हिमालय नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश बेचना है 150 ml वाला वेरिएंट, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, मैं न्यू दबाऊँगा और अप्लाई टू सेल दबा दूँगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट है, मान लीजिए, तो मैंने चलिए आपको वो अभी एग्जांपल लिया कि किसी कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट का, अभी हम इसको छोड़ते हैं और जैसे हम डालते हैं हमें शूज़ बेचना है कंपनी का, वुडलैंड का, वुडलैंड शूज़, ठीक है, वुडलैंड शूज़ फॉर मैन, ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ गया फिर से, ठीक है। आपको कौन सा, इनमें से आपके पास कौन सा वेरियंट है, अब जाहिर सी बात है यही वेरिएंट अवेलेबल होते हैं जो दिखाते हैं, लिस्ट आगे भी बढ़ा सकते हैं आप, एक वैसे ही मैं आपको बता रहा था एग्जांपल के तौर पे। तो इसमें भी आपको जो भी वेरिएंट होगा उसमें इस कंडीशन न्यू ही चुन सकते हैं आप, अप्लाई टू सेल डाल देते हैं, ठीक है। अब अगली बात क्या है, अब हम सीधा इस टॉपिक पर आते हैं, मैं आपको लिस्ट करके दिखाता हूँ वापस से, हिमालय का फेस वॉश का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको जो भी आपका प्रोडक्ट हो जिस हिसाब से आपको चुनना हो चुन लेंगे, ठीक है। मैंने ये, मुझे सपोज करो फॉर एग्जांपल मुझे 150 ml वाला चूज़ करना है, तो मैं न्यू चुनूंगा, अप्लाई टू सेल करूंगा। अब क्या करना है, हमें इसके लिए रिक्वेस्ट अप्रूवल करना होगा, मतलब हमें कोई भी ब्रांडेड चीज़ बेचनी होती है तो हमें अप्रूवल रिक्वेस्ट करना होता है, ठीक है। और अगर लोकल चीज़ बेचनी होती है तो उसके लिए नहीं करना होता। अगर आपको लोकल प्रोडक्ट की लिस्टिंग सीखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अब वहाँ से आकर सीख सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ फिलहाल हम यहाँ दबा रहे हैं रिक्वेस्ट अप्रूवल। अब ये क्या कह रहे हैं, आपको सेलिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रांड ये फिल करनी है। अभी एप्लीकेशन क्या है, इसके लिए आपको सिर्फ एक आसान से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है जो कि है परचेज इनवॉइस, मतलब एक तरीके का बिल ही आप समझ लीजिए। अब ये बिल होगा आपको इनमें से दो जनों से लेना है, या तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से वो होता है कि आपकी कोई आसपास की कोई ऐसी कंपनी है जो छोटी कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर वो दे देते हैं। लेकिन कोई बड़ी कंपनी है तो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना होगा, उसके उसके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना होगा। देखिए हर एक ब्रांड का आपके शहर में ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होता ही होता है। और जैसे मान लीजिए आपको पॉन्ड्स के आइटम बेचने हैं, आपको हिमालय के बेचने हैं, आपको लैक्मे के बेचने हैं, या फिर आपको कपड़ों में कुछ ब्रांडेड आइटम बेचना है, तो उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पर जाएंगे, उससे कहेंगे कि आपको एक इन्वॉइस तैयार करके दे। अब ये इन्वॉइस के कुछ क्राइटेरिया हैं, क्या क्राइटेरिया है आपको ध्यान रखना है, ये क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले तो इन्वॉइस विद इन 180 डेज, मतलब 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अब अभी इन्वॉइस बनवा रहे हैं तो
ठीक है ना, आपको तो समझ में आता ही है विद इन 180 डेज। ठीक है, सबसे पहले तो विद इन 180 डेज को होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए इनवॉइस। उसमें इनवॉइस में आपका नाम और एड्रेस होना चाहिए जो आपके सेलर अकाउंट में है, मतलब आपका पर्सनल नाम नहीं होना चाहिए इनवॉइस में। मतलब जैसे इस आप स्टोर का नाम देख रहे हैं पार्क जेनेसिस, तो इनवॉइस में पार्क जेनेसिस नाम होना चाहिए, और इसी तरह आपके स्टोर का नाम होगा इनवॉइस में, और आपका एड्रेस होगा, एड्रेस वो होगा जो पिकअप एड्रेस हमने अमेजोन में डाला है। एड्रेस और नाम सेम होगा, याद रखिएगा सेम होना चाहिए, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत से लोग एक गड़बड़ करते हैं ना कि वो वाला अपना नेम पर्सनल डाल देते हैं, एड्रेस को भी, और नहीं सेम होना चाहिए जो अमेजोन के अकाउंट में। दूसरा, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होगा उसका नाम और एड्रेस इनवॉइस पे होगा, जो कि आमतौर पर होता ही है, जाहिर सी बात है ये तो। इसके अलावा आपको शो कंबाइंड परचेसेस ऑफ कम से कम 10 यूनिट की परचेस दिखानी है आपको कंबाइंड। ठीक है, कंबाइंड मतलब एक साथ खरीदे हैं वो सारे, मतलब एक पीस एक साथ 10, कम से कम 10 यूनिट्स आपको दिखानी है उस बिल में। ठीक है, ओमिड प्राइसिंग तो ऑप्शनल है, इसको छोड़ देंगे। एंड में कह रहे हैं कि हम ये वेरीफाई करेंगे। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब स्पेशली ये पॉइंट बताया हुआ है कि प्लीज़ नोट डैट वी मे वेरीफाई योर सबमिटेड डॉक्यूमेंटेशन बाय कॉन्टेक्टिंग प्रोडक्ट वेंडर्स यू आइडेंटिफाई इन योर एप्लीकेशन। अब ये वेरीफाई इसलिए करेंगे, बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ चालाकी करने की कोशिश करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि मतलब फेक कॉपी बना ली बिल की, कंप्यूटर से जनरेट कर दी है, साइबर कैफे में जाके, मतलब ऐसे ही कुछ एडिटिंग करके फेक इनवॉइस यहाँ जनरेट कर दिया। ठीक है, तो पहले ही वार्न कर रहे हैं, वेरीफाई करेंगे। अगर आप फेक ऐसा कुछ भी, बहुत से लोग करते हैं ऐसा फेक इसमें अपलोड करते हैं, तो क्या होगा, उन्हें वेरीफाई किया, उन्हें पता चला कि आपने फेक इनवॉइस इसमें डाला है, तो आपके अकाउंट को बिल्कुल डीएक्टिवेट कर देंगे, आपको दोबारा अकाउंट भी नहीं बनाने देंगे आपके घर से, उस आईपी एड्रेस से भी अकाउंट नहीं बनाने देंगे। तो याद रखिएगा ये फ्रॉड ये चीटिंग नहीं करनी है, जेन्युइनली आपको ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना है, उससे इनवॉइस ये कितना आसान है लेना इनवॉइस, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम क्या करें, कुछ नहीं है, उसका एड्रेस आपका एड्रेस नाम उसका एड्रेस नाम 6 महीने का होना चाहिए, 10 परचेज यूनिट्स होनी चाहिए, बस इतना करना है। इसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल यहाँ दबाएंगे और इनवॉइस को जो भी है अपलोड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इनवॉइस को अपलोड कर देंगे, वे ऑप्शनल कमेंट आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, अटैच कर दिया आइटम यहाँ पे, इनवॉइस अटैच कर दिया, आप मुझे प्लीज़ अप्रूवल दे दें, ये कमेंट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस वो होगा जो आपका अमेजोन से रिलेटेड होगा, अमेजोन सेलर अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, और फ़ोन नंबर ये ऑप्शन है लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ़ोन नंबर जरूर डालें। ठीक है, फ़ोन नंबर भी डालें, अपना ईमेल भी डालें, इसके बाद दबाएंगे सबमिट। जैसे आप सबमिट दबाएंगे, आपका ये जो है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर की रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है, ये उन पे चली जाएगी अमेज़न वालों पे, वो कुछ समय में अप्रूव करेंगे, फिर आप बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। तो मैं आगे और भी ऐसे अमेज़न पर बहुत वीडियो बनाऊंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।